गाइस कैसे हम सब लोग, उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक ठाक होंगे और आ सकते होंगे। हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइस आज चौथा मोड़ और रास्ते, मतलब जिस दिन मैंने आपको दिखाया था ना बारिश हो रही थी, उस दिन से ना गाइस बारिश है ना स्टार्ट ही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। गाइस एक घंटा रुकती है फिर दो घंटे बारिश होती है। गाइस अभी भी ये सीन है, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया मगर अभी धूप निकल गई। गाइस मौसम को कोई अता पता ही नहीं है, तो यहाँ से इन्हें व्लॉग की स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम बैक टू एनी व्लॉग। मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, दुआ का बर्थडे आ रहा है तो इसलिए ना मैंने दुआ के लिए ना फ्राक बना रही हूँ। मुक्के के काम की रेड कलर की फ्राक होगा इसलिए मैं बना रही हूँ। अभी ये पूरी नहीं होगी, ये पूरी होगी और जब दुआ पहनेगी अपने बर्थडे वाले दिन, जब आप देखने गए थे कितनी प्यारी लगेगी रेड कलर की फ्राक। उसके ऊपर ये देखें गोल्डन कलर का काम कर रही हूँ मैं अपने हाथ से, और ये देखें गए मैंने अपने हाथ से काम किया, कितना प्यार लग रहा है। तो ये जब पूरी होगी ना मैं आपको दिखाऊंगी। जब गाइस बारिश इतनी तेज़ हो रही थी और अभी देखें कैसे धूप निकल गई, ये कपड़े सुखाए हुए थे यहाँ पर, ये देखें मम्मा ने कपड़े सुखाए हुए थे फिर इसको अंदर रख दिया था, अभी दोबारा कपड़े सुखाएँ क्या तो कपड़े सूख जा। और बारिश अभी नहीं हो रही, ये बारिश जब होगी जब मैं आपको, अभी मैंने आपको दिखाया था अभी धूप निकली हुई थी और अभी अभी 5 मिनट पहले इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अभी मैं दिखाती हूँ यहाँ पर बाहर सारे पानी भर गया, पहले मोहर्रम से बारिश स्टार्ट है और आज चौथा मोहर्रम है और गज बारिश हो जा रही है, वफे वफे से हो रही है, कभी 1 घंटा हो रही है कभी 2 घंटे हो रही है। तो अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गज ये देखें सारा पानी भर गया है यहाँ पर, देख सकते हैं। और बच्चे देखें गज कैसे नहा रहे हैं, बच्चे बच्चे अंदर ही बैठे हैं। ये देखें प्लाट, मेरे को लगता है ये प्लाट पूरा भर जाएगा गज। तो ये देखें हमारी चक्कर तो दूसरा दिन हो गया गाइस, कल कुछ व्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि आपको पता है बारिश का मौसम है, बारिश 1 घंटा रुकती है 2 घंटे होती है, तो इसलिए कुछ व्लॉग ही नहीं बना पाए। और गाइस रात को दुआ की तबीयत भी ख़राब हो गई थी बहुत, तो इसलिए भी कुछ व्लॉग नहीं बना पाए। उसकी तबीयत करनी क्यों ख़राब हो गई थी, इसके सर में गाइस बहुत तेज पेन हो रहा था और BP लो हो रहा था उसका, तो हम टेंशन में आ गए थे इसलिए कुछ व्लॉग भी नहीं बना पाई थी मैं। तो अभी सुबह ये मैंने कहा कुछ व्लॉग भी बना लूँ, अभी गाइस बारिश हो के हटी पूरी रात, गाइस बारिश हुई है, अभी थोड़ा सूरज सा निकला है इसलिए थोड़ी रोशनी हो रही है, मेरे आँखों में ना आंसू आ रहा है क्योंकि अभी मैं प्याज काट के आई हूँ। आज हम दाल चावल बनाने गए, आपको भी दाल चावल ही बनाते रहते हैं, दाल चावल ही बनाते रहते हैं, तो बस हमें दाल चावल अच्छे लगते हैं इसलिए हम दाल चावल ही बनाते रहते हैं। तो वही मैं दाल ही बना रही थी आज भी, तो मैंने कहा व्लॉग ही बना लूँ थोड़ा सा। अभी मैं आपको ना ऊपर चल के ना गाइस मौसम दिखाऊंगी, यहाँ का मौसम अजीब हुआ पड़ा है, धूप भी निकल रही है और मौसम भी अच्छा हुआ पड़ा है, तो आपको वो भी दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर में। तो हमारी दाल तो बन चुकी है, अभी मैंने आज सोचा इसको ना तड़का लगाते हैं हरी मिर्ची का एंड गरम मसाले का, अभी इसके अंदर ऑयल डालूंगी और इसको गर्म करके इसके अंदर दाल के अंदर डालेंगे, तो दाल का आज हम तड़का लगाएंगे दाल को, देखते हैं दाल आज कैसी पकती है तड़का लगा के। तो ये देखें गाइस हमने ना सुबह नींबू पानी भी मंगाया था, गाइस नींबू सस्ते हो गया, 10 के गाइस 2 दे दिए, इतने बड़े बड़े बना कहाँ 50 का एक नींबू आता था गाइस, आजकल नींबू सस्ते हो पड़ा है। बस जैसा कि मैंने आपको बताया भी नींबू सस्ते हो गए और रमजानों में आप यही नींबू देख रहे थे, एक नींबू गाइस 50 का एक दे रहे थे और अभी देखें इतना बड़ा नींबू गाइस 2 दे रहे हैं, 10 रुपये के 2 दे रहे हैं गाइस, कहाँ ये 50 का एक होता था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि नींबू सस्ते हो गए, क्योंकि गाइस हम है ना शरबत बनाते हैं और रोज़ पीते हैं, और क्योंकि गाइस गर्मी है ना तो अभी हम उसके अंदर नींबू ज़्यादा से ज़्यादा डाला करेंगे क्योंकि नींबू सस्ते हो गए गाइस। तो गाइस अभी सुबह से तो नहीं आई बारिश, अभी कह रहे हैं क्या 2 बजे से गाइस बारिश स्टार्ट होगी और 7 बजे तक रहेगी, अभी देखते हैं ये सच है या नहीं है, 2 बजे आती है या नहीं आती है। तो अभी लाइट भी नहीं आई है गाइस, बारिश नहीं है तो बंदा लाइट तो देना मोबाइल वगैरह चार्ज कर ले, और हमारे मोबाइल की बैटरी लो होने वाली है गाइस। दाल भी बन गई है, अभी इसको तड़का लगाऊंगी, मलाई का चावल बनाएगी तो फिर हम खाएंगे बारिश के मौसम में दाल चावल। तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस अभी है ना ईद वाले बाजार जा रहे थे और पानी देखें आप कितना जमा हुआ है ना, इतनी मुश्किल से ये गए और यहाँ पर सारे ही पानी जमा हुआ है, बारिशों को इतने दिन हो गए मगर गाइस पानी नहीं जा रहा, तो इतनी मुश्किल से ये बाज़ार गए यहाँ से,
ये नाली के ऊपर से ये गए हैं, यहाँ से जाने की गैस बिल्कुल भी जगह नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना पानी जम चुका है, हालांकि तीन तीन ही बारिश आई है बस। फिर ये चले गए गैस हॉस्पिटल। हाय गैस, तो अभी आप लोगों को दुआ ने बताया क्या, दुआ की तबीयत ख़राब हो गई अचानक से, फिर गैस से रात को बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी सुबह से हल्का हल्का पेन हो रहा था, तो अभी ज़्यादा हो रहा था। मैंने कहा आप होए हॉस्पिटल या ना हो, रात को फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, इसलिए हमने इसको भेजा हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल नहीं जा रही थी, हमने ज़बरदस्ती गैस भेजा, क्योंकि गैस पता नहीं क्या हो रहा है उसके मैदे में, पता नहीं पेन हो रहा, अपने कहाँ पेन हो रहा है, उसके सर में भी गैस, उसको बहुत पेन हो रहा, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप लोग दुआ करना क्या सही हो जाए जल्दी से दुआ। तो अभी दुआ हॉस्पिटल गई है, अभी देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। दुआ हॉस्पिटल से आ गई है, अभी इसकी तबीयत सही है। और यहाँ पर है ना मम्मा आटा गूंथ के दे रही हूँ, क्योंकि मैंने पानी आज रोटियाँ रात की, और यहाँ पर दाल पड़ी हुई है गैस, ये दाल दिख रही होगी। तो अभी मैं मम्मा आटा गूंथ के देते, फिर मैं रोटियाँ पकाती। गैस तो दुआ हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल से होके आ गई थी, मगर उसकी तबीयत अभी भी बहुत ही ख़राब है। तो आप लोग दुआ करना है जल्दी से उसकी तबीयत ठीक हो जाए, पता नहीं क्या हुआ इसको क्या नहीं हुआ, इसलिए कुछ व्लॉग भी नहीं बना पाए हम लोग। तो अभी थोड़ी ठीक है, मगर ज़्यादा सही नहीं है, कभी कभी उसके पेन हो रहा, मेरे घर मैदे में उसकी तकलीफ है, तो इसलिए व्लॉग भी नहीं बना पाई थी। तो इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर देती हूँ, कि ये बड़ा हुआ छोटा हुआ मुझे नहीं पता, जैसे तैसा भी व्लॉग बनाया, तो मैंने कहा छोड़ दूँ एडिट करता, आप लोग कह रहे होंगे व्लॉग नहीं आ रहा, तो इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।